तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको अपनी लेकर आया हूँ उस बिल्डिंग में जिसमें आपको स्पेस को लेके कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 4 BHK और 2 BHK फ्लैट जो बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी में है और दोस्तों बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। अगर आप लोग एक बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस के अंदर स्पेशियस, वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक अच्छी खासी प्लानिंग में 4 BHK या 2 BHK फ्लैट सर्च कर रहे हो ना, तो दोस्तों आज मैं आपको अपनी उसी बिल्डिंग का होम टूर कराने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारी इस बिल्डिंग की, तो ये हमारी 250 गज की बिल्डिंग है जिसमें हमने कहते हैं 4 BHK और 2 BHK बना रखे हैं। विद लिफ्ट की ये बिल्डिंग है, विद कार पार्किंग है। नीचे हमने 250 गज की कंप्लीट कार पार्किंग छोड़ रखी है जिसमें आप अपना आराम से एक फैमिली फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करना चाहो ना, वो आराम से आप कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। तो दोस्तों, ये है हमारे इस बिल्डिंग का छोटा सा इंट्रो जो मैंने बताया। अगर मैं बात करता हूँ हमारे इस फ्लैट्स की, तो इसमें 4 BHK का बिल्टअप एरिया मिलता है 140 गज, जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है दोस्तों, जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ। और जो 2 BHK है उसका बिल्टअप एरिया मिलता है 70 गज, जो कि विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है, डबल वॉशरूम के साथ है। तो दोस्तों, ये है हमारी इस बिल्डिंग का छोटा सा इंट्रो का पार्ट। और अगर मैं बात करता हूँ हमारी इस बिल्डिंग की लोकेशन की, तो लोकेशन है दोस्तों ओम विहार, जो कि उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से हार्डली 300 मीटर की दूरी पर है। और मेन रोड से जो नजरगढ़ रोड है वहाँ से प्रॉपर्टी सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी है। आसपास की लोकेलिटी को लेके, स्पेस को लेके, रोड्स की अप्रोच के लेके आपको कहीं पे भी शिकायत नहीं होने वाली, मेरा आपसे वादा है। सुबह शाम पीने का पानी आता है आपको, सिविल लाइन प्रॉपर है, नालियाँ सारी कवर्ड हैं, प्रॉपर RCC की रोड है, क्राउड आपको सारा अपर मिडिल क्लास का क्राउड मिलेगा। तो हर जगह आपकी एमिनिटीज़ को लेके या रिक्वायरमेंट को लेके ये बिल्डिंग हमेशा खरी उतरेगी। तो दोस्तों, ये है हमारी इस बिल्डिंग का छोटा सा पार्ट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए इस फ्लैट का होम टूर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होम टूर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन ऑन कर लो। और हाँ दोस्तों, हमारे इस फ्लैट की वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली मेम्बर्स में, क्या पता आपके साथ साथ आपके किसी चाहने वाले का सपना घर पूरा हो जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए इस खूबसूरत से फ्लैट का होम टूर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी बिल्डिंग के पैसेज एरिया में। तो मैं अब आपको लेकर आओगे हमारा पैसेज एरिया में, जिसमें आपको लिफ्ट का और स्टेयरकेस का पार्ट मिलता है। तो अगर आप लोग जैसी पार्किंग से ऊपर आते हो दोस्तों, ये हो गया हमारा स्टेयरकेस का पार्ट जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। अच्छा खासा आपको स्पेशियस मिल रहा है, तो सामान लाने जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप इस घर में शिफ्टिंग करते हो। इवन अगर आप देखोगे तो कंप्लीट हमने 4-4 फुट तक की टाइल्स लगा रखी हैं, जिसे दीवारें आपके मेंटेन रहेंगी। हमने फुटलाइट्स तक दे रखी हैं जो रात में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और प्लस ये हो गया हमारा पैसेज एरिया।
तो अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ हमारे इसके फ्लोर प्लान की, तो ये हमारे एक फ्लोर पे 3 फ्लैट हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का 4 BHK, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। इसका होम टूर अभी मैं कराऊंगा। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ हमारे बैक साइड में, जो हमारे 70-70 गज के 2 2 BHK बने हुए हैं। तो दोस्तों जैसे हम इस पैसेज एरिया में आते हैं, फ्रंट साइड के 4 BHK में और ये बैक साइड के 2 हमारे 2 BHK हैं। ये हमारा लिफ्ट का पार्ट हो गया, जिसमें अच्छा खासा हमारा पैसेज एरिया मिल जाता है। पैसेज में भी हमने कंप्लीट टाइल्स लगा रखी है, जिससे दीवारें आपकी मेंटेन रहेगी। तो अगेन कोई डैम्पनेस को डैमेज होने के चांसेस नहीं है, सीलन आने के चांसेस दूर दूर तक नहीं है। कंप्लीट फुटलेट्स दे रखी है, जो रात में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों जैसे हम आते हैं हमारे सेक्शन की तरफ, तो ये हो गए हमारे 2 2 BHK। इनका बिल्टअप एरिया मिलता है 70 गज, अगेन 70 गज। तो ये है दोस्तों 70-70 गज के 2 हमारे 2 BHK फ्लैट। और हाँ दोस्तों, इस बिल्डिंग में अभी हमारे सारे ही फ्लैट्स अवेलेबल हैं, तो आप लोगों को शिकायत नहीं होगी कि इसमें यूनिट्स कैसे बुक हो गई। तो अगर आप लोगों की प्राइस के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग अगर घर है ना, तो जल्दी से आओ, बुकिंग कराओ। और हाँ, नेगोशिएशन में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि जो प्राइस मैं आपको बताऊंगा या जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखे हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों एंट्री लेते ही सबसे पहले मैं इसका एक वास्तु समझाता हूँ 2 BHK फ्लैट का। तो अगर आप एंट्री लोगे तो ये होगा आपका वेस्ट फेसिंग, क्योंकि वेस्ट की दिशा में है। और अगर आप एग्जिट लोगे तो ये होगा ईस्ट फेसिंग। तो दोस्तों ये वास्तु कंप्लेंट के अकॉर्डिंग भी बहुत ही अच्छा खासा घर है। तो अगर हम जैसी एंट्री लेते हैं दोस्तों, इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है, बहुत ही प्यारा एक एलिगेंट वर्क इसमें आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात हमारे इस फ्लैट की वो है स्पेस की, जो कि स्पेस को लेके आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना। हर फैमिली का एक सिंपल सा कंसर्न होता है कि हमें खुला डुला स्पेशियस 2 BHK फ्लैट मिले, जिसमें हम सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, एक सिंगल बेड भी लगा सके ना। तो वो स्पेस आपके सामने दोस्तों, जैसे आप एंट्री लोगे, ये हो गया हमारा हॉल का पार्ट, जिसमें अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है ड्राइंग रूम के अंदर। और अगर हम बात करते हैं ड्राइंग रूम की भी, तो यू कैन सी दैट कि स्पेस को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इसके इंटीरियर के पार्ट की बात करते हैं, तो बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही प्यारा इसमें हमने वर्क कर रखा है, जिसमें आपको कहीं पे भी एक पोम्पेंट शो नज़र नहीं आएगी, एक एलिगेंट वर्क नज़र आएगा। तो जैसे हम एंट्री लेते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा 3D कस्टमाइज वॉलपेपर, जिसको हमने एक अच्छे तरीके से हमने हाईलाइट कर रखा है। प्लस यहाँ पे हमने कहते हैं रोज़ गोल्ड लेकर ग्लास हमने लगा रखा है, जो उसकी खूबसूरती को ज़्यादा एनहेंस करता है ड्राइंग रूम में। बाकी दोस्तों ये जो फ्लैट है, सैम्पल फ्लैट 4 BHK 2 BHK जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सैम्पल फ्लैट हमारी चॉइस पे हमारी पसंद का रेडी हो रखा है। ऊपर के फ्लैट अभी रॉ हैं, तो उसमें अगर आप लोगों ने अपनी पेंट को, वॉलपेपर की चॉइस को कोई चेंजेस कराने हैं, वो आप करा सकते हो, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। तो दोस्तों ये हो गया हॉल का पार्ट। जितने खूबसूरत इसका अंदर का स्पेस है ना, उतनी ही खूबसूरत इसके ऊपर की फॉल सीलिंग है, जो बहुत ही डिसेंट है, जिसमें कंप्लीट हमने वार्म लाइट का वर्क कर रखा है। बाकी आपको कहता है सारा का सारा इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग में दोस्तों जितना भी काम मिल रहा है ना, सारा ब्रांडेड मिल रहा है। सारी लाइटें आपको अंडर वारंटी हैं, ब्रांडेड स्विचेस हैं, ब्रांडेड फैंस हैं, हर चीज़ आपको ब्रांडेड मिलेगी, जो कि अंडर वारंटी है। 1 से 2 साल तक में अगर काम के अंदर कोई शिकायत होती है, तो आपको ऑन साइट रिप्लेसमेंट मिलेगी। बाकी दोस्तों ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम के फॉल सीलिंग का पार्ट, जिसमें एक बहुत ही अच्छा खासा शैंडलियर हमने लगा रखा है, 2 फैंस हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो ये हो गया प्रॉपर स्पेस। तो अगर कोई गेस्ट आपका ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने ह्यूज टीवी पैनल क्रिएट कर रखी है। तो अगर आप लोग अपना चाहो तो एक अच्छा खासा यहाँ पे होम थिएटर असेंबल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे 2 आर्क, जिसमें आपको स्टोरेज के लिए या डेकोरेटिव स्टफ रखने के लिए जगह मिल जाती है। ये शेल्फ होगी, नीचे आपको कैबिनेट मिल जाती है एक चैनल ड्रॉर के साथ, 2 ओपन स्पेस के साथ। ऊपर यहाँ पे भी आपको एक शेल्फ मिल जाती है, जिसमें आप अपना कुछ ना कुछ डेकोरेटिव स्टफ रखना चाहो रख सकते हो। तो जो 2 BHK हमारा ये नक्शे का है ना दोस्तों, जो 7 वाला फ्लैट है, सेम इसी ही नक्शे का ही है, तो ऑलमोस्ट मिरर है। तो मैं आपको जो ये दिखा रहा हूँ डिटो, वो कॉपी है। बाकी अगर हम बात करते हैं ड्राइंग रूम की, तो ड्राइंग रूम में स्प्लिट एसी की वायरिंग फिटिंग ऑलरेडी हो रखी है, तो अगेन कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत होगी नहीं। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम का पार्ट। और ठीक साथ में हमारे मिल जाता है फर्स्ट बेडरूम दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया, जिसमें अच्छा खासा स्पेस हमने ऑर्गेनाइज कर रखा है। और अगर मैं इस बेडरूम की बात करता हूँ, तो अगेन इसको भी एक अच्छे तरीके से सिंपल और एलिगेंट वर्क हमने कर रखा है, जिसमें आप एक कस्टमाइज 3D वॉलपेपर हो गया, बहुत ही अच्छी खासी डिसेंट आपको फॉल सीलिंग मिलगी। और अगर हम स्पेस की बात करते हैं दोस्तों, तो यू कैन सी दैट डायमेंशंस ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका 6x6 का बेड क्या 7x7 का बेड भी आ जाएगा। इवन अगर आप लोग चाहो तो इसमें अपना अलग से एक ड्रेसिंग कम अलमीरा भी आप असेंबल कर सकते हो। बाकी इस रूम में भी स्प्लिट एसी वायरिंग फिटिंग ऑलरेडी हमने कर रखी है, तो कोई तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं, ये हॉल की तरफ, इसका जो फेवरेट पार्ट है ना दोस्तों, वो है ये किचन, जो आप लोगों को मिल रही है, जो हर लेडीज़ को पसंद आने वाली है, क्योंकि 70 गज में ये है बिग साइज़ किचन, जिसमें स्पेस को लेके आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्रॉपर यू शेप की आपको स्लैब मिल जाती है स्टोरेज को लेके। तो नीचे आपको प्रॉपर चैनल बास्केट्स हैं, जिसमें आप अपना आराम से सामान रख सकते हो, स्टोरेज को लेके दिक्कत नहीं होगी। तो जितना सामान रखने की जगह नीचे है चैनल बास्केट्स के साथ, उतना ही सामान रखने की जगह ऊपर है, जिसमें प्रॉपर हमारी कैबिनेट डली हुई है।
जिसमें पार्टीशन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं और जो बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट वर्क इसमें हमने किचन में कर रखा है। तो दोस्तों ये है हमारी किचन का पार्ट। यहाँ पे चिमनी आपको लगी हुई मिलेगी, चिमनी के लिए ऑलरेडी डक्टिंग का पाइप हो रखा है तो वहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगा आपको, एग्जॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी जो चिमनी भी मिलेगी वो ब्रांडेड मिलेगी। बाकी दोस्तों ये किचन जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यू शेप में, तो यहाँ पे आपके पास स्पेस बन जाता है माइक्रोवेव के लिए, मिक्सी के लिए या अदर स्टफ अगर आप रखना चाह रख सकते हो। ये गैस के चूल्हे का पॉइंट हो गया। बाकी यहाँ पे आपके पास भी अच्छा खासा स्पेस है अदर स्टफ रखने के लिए। और दूसरा जो इस किचन का फेवरेट पॉइंट है वो है फ्रिज के लिए, क्योंकि बहुत सारी हमारी फैमिली जो जानना चाहती हैं फ्रिज का रखेंगे, तो दोस्तों फ्रिज आप यहाँ रखोगे जिसमें स्पेस को लेकर आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर आप लोगों के पास एक डबल डोर फ्रिज है ना, वो भी यहाँ पे आप इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करते हैं किचन की, तो यू कैन सी दैट इसमें बहुत ही अच्छी खासी डिसेंट हमने फॉर्चून कर रखी है, अच्छे खासे आपको फैंसी आपको शैंडलियर मिल रहा है मल्टी लाइट कलर के तौर पे। और जैसे हम अगर बात करते हैं इसके ठीक सामने, तो दोस्तों ये हो गया हमारा कहते हैं एक शोकेश पार्ट जिसमें हमने स्टोरेज के पर्पज़ दे रखा है। आप लोग चाहो तो इसको बार काउंटर के तौर पर क्रिएट कर सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको आप अपने कहते हैं क्रॉकरी से रिलेटेड काउंटर को आप क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया हमारा कहते हैं कंप्लीट एक डेकोरेटिव स्टफ जिसमें हमने कंप्लीट वुडन वर्क कर रखा है। और दोस्तों एक बार मैं कैमरामैन को बोलूँगा पीछे से अगर आपको दिखाए, तो ये एक्चुअल व्यू, ये किचन है हमारी और ये है हमारा ठीक सामने का फ्रंट व्यू जिसमें आपको कहते हैं कुछ ना कुछ क्रॉकरी से रिलेटेड, बाहर से रिलेटेड या अदर कुछ भी डेकोरेटिव स्टफ अगर आप रखना चाहो रख सकते हो, या आप लोग चाहो तो इसको बंद करवा के आप इसको एज अलमीरा भी यूज़ कर सकते हो। बाकी ठीक साथ में हो गया हमारा कॉमन वॉशरूम जो बहुत ही प्यारा है, और वहाँ पे हमारी वॉल माउंटेड सीट का प्रोविजन हो गया। कंप्लीट टाइप्स फिटिंग्स आपको लगी मिलेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें हमने टाइल्स लगा रखी हैं। तो दोस्तों ये है लग्जूरियस 2 BHK फ्लैट और वो भी अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर। अगर आपके फ्लैट की वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो जल्दी से इस फ्लैट की वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो ये हो गया हमारा कहते हैं 70 BHK 2 BHK के सेक्शन का पार्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर बेडरूम। तो दोस्तों ये है मास्टर बेडरूम जिसमें अगेन एक अच्छा खासा गुड अमाउंट ऑफ स्पेस मिल रहा है, अच्छी खासी हमने यहाँ पे अलमीरा क्रिएट कर रखी है जो कि स्लाइडिंग डोर के साथ है। अगर आप चाहो तो इसको आप इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हो स्लाइडिंग डोर को। ये सेक्शन हो गया जिसमें आप अभी ये एंगल रोड लगी मिलेगी, ये चलो ड्रॉर हो गया, नीचे आपको स्टोरेज के लिए जगह है, ऊपर आपके पास स्टोरेज के लिए जगह है। सेम इधर का सेक्शन आप इसको सेक्शन वाइज रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको हैंगर रोड हो गया स्टोरेज के लिए जगह, चैनल ड्रॉर स्टोरेज के लिए जगह। तो दोस्तों ये है अलमीरा का पॉइंट। तो अगर आप लोग यहाँ पे बेड रखते हो तो उसमें आपको एक बाहर खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसी तो तरीके से हमने अलमीरा को डिज़ाइन कर रखा है। बाकी अगर हम बात करते हैं स्पेस को, तो यहाँ पे भी आप 6x6 का बेड आराम से लगा सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा अगेन ग्रे पैटर्न के अंदर हमने कस्टमाइज 3D वॉलपेपर लगा रखा है जो इसके लुक को ज़्यादा एनहेंस करता है। तो जैसे इसमें वॉलपेपर का डिज़ाइन है दोस्तों, उसी से मैचिंग हमने इसमें अलमीरा में सनमाइका वर्क यूज़ कर रखा है जो वाइट एंड ग्रे पैटर्न के अंदर है। और अगर हम बात करते हैं इस रूम की अगेन फॉल सीलिंग की, तो एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्शंस, इसमें भी बहुत ही अच्छी खासी हैवी फॉल सीलिंग वर्क मिल रही है जिसमें आपको कंप्लीट वार्म लाइट का हमने कॉम्बिनेशन वर्क दे रखा है जो कि नेचुरल लाइट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बाकी ये होगी हमारी विंडो, इसमें विंडो इसका प्रोविजन हो गया, विंडो हमारी ओपनेबल है, बालकनी में जाने का प्रोविजन है। और ये हो गया आपको अटैच वॉशरूम, अगेन इसमें भी अच्छी खासी हमने कहते हैं कस्टमाइज टाइल्स लगा रखी हैं जो अगेन इसके लुक को ज़्यादा इंप्रेसिव करती है और अच्छा खासा स्पेस के साथ आपको मिल रहा है दोस्तों। बाकी सारी बाथ फिटिंग्स आपको हमारे एंड से मिलेंगी, तो कहीं पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना फिटिंग्स को लेके। और ये हो गया हमारा बालकनी सेक्शन दोस्तों, ये कंप्लीट बालकनी सेक्शन हो गया। बैक साइड होने के बावजूद भी कंप्लीट पीछे आपको बालकनी मिल रही है, बालकनी मिल रही है जिसमें आपको क्रॉस फाउंडेशन पूरा रहेगा, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग होगी, यहाँ पर ग्लास रेलिंग होगी, ये प्रॉपर पीछे गली है 10 से 12 फुट की। और ये है दोस्तों अभी हमारा बैक पोर्शन, वहाँ पे आपको कहते हैं वॉशिंग मशीन का टैप मिल रहा है, पावर का कनेक्शन हो गया। बाकी यहाँ पे भी अभी आपको कहते हैं कंप्लीट कहते हैं टेक्सचर वर्क हुआ मिलेगा, तो अगेन कोई सीलन या डैम्पनेस आने के चांसेस आपको दूर दूर तक नहीं। तो दोस्तों ये है हमारा 70 BHK 2 BHK फ्लैट जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब मैं दिखाता हूँ इसका 140 BHK 4 BHK फ्लैट जो अपने आप में लाजवाब है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ गया हमारे 4 BHK के फ्लैट में। ये हो गया हमारा एंट्रेंस का पार्ट, तो इसका भी मैं वास्तु कंप्लेंट समझाता हूँ। तो अगर आप इस फ्लैट की एंट्री लोगे ये होगा आपका ईस्ट फेसिंग, और अगर आप एग्जिट लोगे तो ये होगा आपका वेस्ट फेसिंग। तो अगेन वास्तु कंप्लेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारे घर है। तो ज़्यादा देर ना करते मैं सीधा आपको फ्लैट के अंदर लेकर आता हूँ दोस्तों, जो बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही एलिगेंट वर्क आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक बिल्कुल लो प्राइस रेंज में अफोर्डेबल प्राइस रेंज में 4 BHK फ्लैट सर्च कर रहे हो फ्रंट साइड का विथ लिफ्ट विथ का पार्किंग, तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे 4 BHK फ्लैट में जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इसको डिज़ाइन कर रखा है। अगेन स्पेस को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्पेस को वो हमने कर रखा है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम का पार्ट, ये हमारा चौरस स्क्वेयर पैटर्न पे हमारा 4 BHK फ्लैट है जिसमें हमारा कहते हैं एंट्री लेते हॉल है। एक बेडरूम हमारा ये है फर्स्ट बेडरूम, सेकेंड बेडरूम हमारा यहाँ पे है, ये हमारा कॉमन वॉशरूम हो गया। और दोस्तों ये होगी हमारी किचन, वो हो गया हमारा मास्टर बेडरूम,
और ये हो गया हमारा कहते हैं सेकंड मास्टर बेडरूम। तो दोस्तों इस 4 BHK में आपको मिलते हैं 4 बेडरूम, 3 वॉशरूम, टॉयलेट कम वॉशरूम, अच्छे खासे स्पेस में। और दोस्तों ये है 4 BHK फ्लैट। तो ज़्यादा देर ना करते अब सीधा इसका मैं डिस्क्रिप्शन शुरू करता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया ड्राइंग रूम का पार्ट। अगर मैं बात करता हूँ इसकी फ्लोरिंग की दोस्तों, तो फ्लोरिंग भी जो हमने यूज़ कर रखी है 3264 की हमने टाइल्स यूज़ कर रखी हैं, जो कि सतवारियों पैटर्न पे है, विच इज़ अगेन क्वाइट यूनिक और बहुत ही एक्सपेंसिव टाइल्स हैं। ब्रांडेड टाइल्स आपको मिल रही है सारी कजारिया पैटर्न की। और दोस्तों ये एंटी स्किट और स्क्रैचर टाइल्स हमने यूज़ कर रखी हैं, जिसमें आपको कंप्लीट फ्लोरिंग का पार्ट जो मिल रहा है वाइट मार्बल की लुक के अंदर मिल रहा है। तो दोस्तों जैसी आप बात करते हैं स्पेस की, तो स्पेस आप देख सकते हो आपके पास एम्पल स्पेस है, जिसमें आप अपना सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, एक सेंटर टेबल, आप जैसा चाहो वैसा आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। स्पेस को लेके कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पे अपना सोफ़ा रखते हो सेंटर टेबल के साथ, यहाँ पे आपके पास जगह बन जाती है डाइनिंग टेबल के लिए। ठीक उसके ठीक सामने हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी एक प्रॉपर टीवी कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर रखी है, जिसमें हमने कहते हैं प्रोफाइल ग्लासेस हमने लगा रखे हैं हैंडल्स के साथ। अगर आप देखोगे तो हमारे कहते हैं एल्यूमिनियम के फ्रेम के अंदर आपको ग्लास के डोर्स मिल रहे हैं, जिसको आप अपने डेकोरेटिव स्टफ से सजा सकते हो। ये हमारे पास ओपनेबल कैबिनेट होगी। अगेन स्टोरेज को लेके आप लोग चाहो तो इसमें अपना बार से रिलेटेड या अदर कुछ भी रिलेटेड स्टफ रखना चाहो रख सकते हो। और बाकी अगर हम बात करते हैं शेल्फ की, तो ये भी शेल्फ होगी स्टोरेज के लिए, ये भी शेल्फ होगी कुछ ना कुछ सामान रखने के लिए। नीचे आपके पास शेल्फ मिल जाती है, अच्छी खासी जगह यहाँ पर टीवी लगाने की। यहाँ पर आपको 3 कैबिनेट्स मिल जाती हैं, चैनल ड्रॉर्स मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए। तो दोस्तों ये है हमारा इस ड्राइंग रूम का स्पेस का पार्ट। तो अगर हम बात करते हैं ड्राइंग रूम के अंदर भी दोस्तों, इंटीरियर की एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि ऐसा वर्क आपको बहुत रेयर केस में कहीं देखने को मिलेगा। इवन जो हमने कहते हैं टाइल भी है, जो हमने कहते हैं हाइलाइटर वॉल जो हमने क्रिएट कर रखी है, ये सारी की सारी अपनी कहते हैं MDF के प्लानिंग के ऊपर है, जिसमें हमने कहते हैं MDF की पैनलिंग यूज़ कर रखी है और इसको कहते हैं डीको पेंट के साथ हमने हाईलाइट कर रखा है ग्रे टोन में। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 3D कस्टमाइज वो अपना कहते हैं वॉल। ये हो गया हमारा लेकर्ड ग्लास, जिसमें हमारी दोनों तरफ की ऑप्शन अपना कहते हैं डेकोरेटिव वॉल मिल जाती है ड्राइंग रूम में। एक सेक्शन ये हो गया हमारा, एक सेक्शन वो हो गया हमारा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी फॉल सीलिंग की, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारे इसमें फॉल सीलिंग का वर्क हो रखा है, जिसमें कंप्लीट वार्म लाइट का हमने कहते हैं वर्क कर रखा है। और अगर हम बात करते हैं शैंडलियर की, तो बहुत ही अच्छा खासा हैवी आपको 5-star इसमें शैंडलियर मिल रहा है विद मल्टी कलर लाइट्स के साथ, और इसको आप रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं फैंस की, तो दोस्तों सारे ही फैंस इसमें ब्रांडेड हैं, चाहे आप 4 BHK लो चाहे आप 2 BHK लो, सब में आपको ब्रांडेड वर्क मिल रहा है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा हॉल का पार्ट। हॉल के अंदर स्प्लिट एसी की वायरिंग फिटिंग ऑलरेडी हमने कर रखी है, तो अगेन कोई तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करता हूँ इस हॉल के साथ फर्स्ट बेडरूम की, तो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट बेडरूम का स्पेस, जिसमें अगेन आप अपना 6x6 के बेड आराम से लगा सकते हो। और अगर हम बात करते हैं इस बेडरूम के अंदर, तो यहाँ पे भी स्प्लिट एसी की वायरिंग फिटिंग ऑलरेडी कर रखी है। ये हमारा कहते हैं स्टोरेज के लिए स्पेस मिल गया, जिसमें आप अपना कहते हैं जैसे चाहो इस सेक्शंस को क्रिएट कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको स्टडी रूम के तौर पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको अपना वर्क सेशन बना सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट बेडरूम, इसमें भी हमने 3D कस्टमाइज वॉलपेपर लगा रखा है, जिसमें आपको एंटायरली डिफरेंट है। और प्लस अगर हम बात करते हैं इसकी फॉल सीलिंग की, तो बहुत ही सिंपल बहुत ही एलिगेंट वर्क आपको भी इसमें फॉल सीलिंग में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट बेडरूम। और जैसे ही हम चलते हैं दोस्तों सेकंड बेडरूम की तरफ, तो ये हमारे ड्राइंग रूम के अंदर बहुत ही अच्छा इसको हमने हाईलाइट कर रखा है इस वॉल को, जिसको अपना कहते हैं डेकोरेटिव स्टफ से आप यहाँ पे आप इसको और अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। ये हमारा स्विच के पॉइंट है, जो कि अभी फिनिशिंग स्टच पे है। यहाँ पे स्विच बोर्ड आपको ऐसे लगाओ मिलेगा, जिसको आप यहीं से ऑपरेट कर लोगे। बाकी कंप्लीट हमारा वुडन का स्टफ है दोस्तों। तो ये हो गया इसका शोकेस का पार्ट, जो इसके ड्राइंग रूम को और ज़्यादा इंप्रेसिव करता है। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका सेकंड बेडरूम, जो कि अगेन एक अच्छा खासा स्पेस में है, जिसमें स्लाइडिंग अलमीरा मिल रही है, अच्छी बड़ी आपको स्लाइडिंग अलमीरा मिल रही है स्टोरेज में, प्लस आपको कंप्लीट फॉल सीलिंग वर्क मिल रहा है, एक अच्छी खासी लाइट्स मिल रही हैं, और आपको कहते हैं ब्रांडेड फैंस मिल रहे हैं। बाकी अच्छा खासा 3D कस्टमाइज वॉलपेपर हो गया इस रूम के अंदर। और इस रूम में आपको यहाँ पे शाफ्ट का प्रोविजन हो गया, जो कि क्रॉस वेंटिलेशन में हेल्पफुल रहेगा। और तो हमने इस बेडरूम के अंदर भी स्प्लिट एसी की वायरिंग फिटिंग ऑलरेडी कर रखी है, कोई तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग जब अपने यहाँ पे बेड लगाओगे, तो यहाँ पे आपके पास टीवी के लिए वॉल होगी, और यहाँ पे भी आपके पास सेक्शन हो गया अपना ड्रेसिंग टेबल क्रिएट करने के लिए। बाकी अगर मैं बात करता हूँ अलमीरा की, तो अच्छा खासा स्पेस है अलमीरा में, दोनों तरफ आपको सेम स्पेस मिल रहा है, जिसमें आप यहाँ पे अपनी हैंगर रोड लगा के हम आप अपने कपड़े टांग सकते हो। बाकी कंप्लीट वुडन डोर है, अपना कहते हैं वुडन अलमीरा है दोस्तों। और दोस्तों हमारी जितने भी फ्लैट्स के अंदर आप वुडन का वर्क देखते हो, उस सारे के सारे वुडन वर्क के अंदर आपको कहीं पे भी शिकायत नहीं आने वाली, मेरा आपसे वादा है। ना तो आपको दीमक को लेके है, ना वो सीलन को लेके है, ना फूलने को लेके, हर चीज़ आपको ब्रांडेड हमने इसमें इस्तेमाल कर रखी है। तो जैसे हम इस रूम से बाहर आते हैं, तो दोस्तों ये हो गया हमारा कॉमन वॉशरूम, जो कि ड्राइंग रूम से और दोनों बेडरूम से हमारे को कनेक्टेड है। और स्पेस को लेके अगर मैं बात करता हूँ, तो कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं है, भरपूर स्पेस, अच्छा खासा बड़ा आपको कहते हैं इसमें कॉमन वॉशरूम मिल रहा है।
जिसमें सामने वॉल माउंटेड सीट मिल रही है, एक अच्छा खासा आर्क हमने क्रिएट करके सामान रखने के लिए, बाकी कंप्लीट इसमें हमने ब्लैक मार्बल टाइल्स लगा रखी हैं। वॉश बेसिन, बाथ फिटिंग सब कुछ आपको लोगे मिलेगी। वहाँ पे आपको डक्टिंग का प्रोविजन हो गया जिसमें आप अपना एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हो। तो जैसे ही हम बाहर आते हैं दोस्तों, ये है हमारा कहते हैं अगेन हॉल का पार्ट, और ठीक सामने मिलती है किचन जो कि बहुत ही स्पेशियस है। तो दोस्तों ये है 140 गज के बिल्टअप एरिया में बनी किचन जो कि अगेन बहुत ही बड़ी और बहुत ही स्पेशियस है। यू शेप में काउंटर स्लैब मिल रहा है तो जैसा आप देख रहे हो, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारे तरीके से इसको हमने ऑर्गेनाइज कर रखा है। बाकी इस किचन के अंदर दोस्तों आपको हमारी तरफ से डबल सिंक का बाउल मिल जाता है जिसमें आपको कहते हैं बर्तन धोने में और अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेग्रेट कर सकते हो। दोनों तरफ आपको टाइप्स के प्रोविजन मिल गए। बाकी ऊपर कंप्लीट आपको स्पेस मिल जाता है कैबिनेट्स का जिसमें आप अपना स्टोरेज को लेकर सामान आराम से रख सकते हो। किचन से रिलेटेड दोनों तरफ में आपको भरपूर स्पेस है। बाकी ये भी स्पेस हो गया आपके पास जिसमें आप अपना चाहो तो माइक्रोवेव इसको सेक्शन में आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी ये भी इस तरीके से ओपनेबल कैबिनेट है जिसमें हमने हाइड्रोलिक शॉकर्स लगा रखे हैं ओपन करने के लिए। बाकी दोस्तों ये है कंप्लीट किचन का पार्ट। अगर मैं बात करता हूँ नीचे की, तो नीचे भी कंप्लीट आपको स्टोरेज मिल रही है जिसमें कंप्लीट हमने चैनल बास्केट्स लगा रखे हैं। तो अगेन इस 4 BHK के फ्लैट के अंदर किचन के अंदर आपको स्पेस में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। और दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ इस किचन का USP, वो है इसमें पेंट्री, क्योंकि इसमें आपको मिल रही है पेंट्री जो अगेन आपको हर फ्लैट्स में यूजली कम देखने को मिलती है। तो इस 4 BHK के अंदर भी हमने पेंट्री क्रिएट कर रखी है जो कि अगेन एडजस्टेबल है जैसे आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सेक्शंस के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे भी आपको पास पर कंप्लीट स्टोरेज मिल जाती है सामान रखने के लिए। तो ये हो गया हमारा कहते हैं किचन में पेंट्री का पार्ट। और ये हो गया हमारे पास फ्रिज के लिए सेक्शन दोस्तों, जिसमें आप अपना डबल डोर का फ्रिज आराम से रख सकते हो। तो यहाँ पे भी स्पेस को लेके कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों इसका मास्टर बेडरूम। बाकी मास्टर बेडरूम दिखाने से पहले एक बार किचन दोबारा दिखाता हूँ, जिसमें छत के ऊपर भी कंप्लीट हमने फॉल सीलिंग वर्क कर रखा है। कंप्लीट आपको टाइल अपना कहते हैं लाइट्स मिल रही हैं वॉर्म के पैटर्न पे, और ये बहुत ही अच्छा खासा इसमें हमने शैंडलियर लगा रखा है जो इसके लुक को ज़्यादा इंप्रेसिव और एनहेंस करता है। बाकी दोस्तों किचन के अंदर हमारे यहाँ पे फ्रंट पे विंडो मिल जाती है जो कि ज़्यादा हेल्पफुल है एग्जॉस्ट में लेके। तो अगर आप लोग यहाँ पे अपनी चिमनी लगाते हो तो एक तो खाना बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, सारा का सारा धुआं आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारा क्या कहते हैं किचन का पार्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा थर्ड बेडरूम जो कि है मास्टर बेडरूम। तो दोस्तों जैसे हम इसमें आते हैं, अगेन इसका रूम साइज बहुत अच्छा है और इसमें भी यहाँ पे ह्यूज अलमीरा हमने क्रिएट कर रखी है बिल्कुल डिफरेंट लुक के अंदर, वाइट और वुडन पैटर्न के अंदर। तो जो अगर हम बात करते हैं स्पेस की, तो इस अलमीरा के अंदर भी स्पेस को लेके कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो जितना स्टोरेज की जगह यहाँ है उतनी स्टोरेज की जगह यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको हैंगर रोड लगी हुई मिलेगी कपड़े टांगने के लिए, यहाँ पे आपको चैनल ड्रॉअर मिल गया, नीचे सेक्शन हो गया, ऊपर सेक्शन हो गया स्टोरेज के लिए। उसी तरीके से हमारे पास ये सेक्शन भी है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस रूम की, तो ये रूम भी एंटायरली डिफरेंट जो अदर आपने बेडरूम्स देखे। अगर मैं बात करता हूँ ऊपर की फॉल सीलिंग की, तो बहुत ही प्यारे तरीके से डिसेंट वर्क इसमें भी हमने कर रखा है। कंप्लीट आपको वाइट छत मिल रही है वार्म लाइट के साथ, और इसमें भी जो हमने वॉलपेपर लगा रखा है 3D कस्टमाइज वॉलपेपर है प्योर वाइट में जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। और दोस्तों वॉशेबल है, गीले कपड़े से आप इसको जब मर्जी चाहो तो साफ कर सकते हो। बाकी ठीक सामने हमारी मिल जाती है बहुत ही बड़ी बहुत ही ह्यूज TV पैनल जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है, वाइट और वुडन पैटर्न पे हमने लगा है। बाकी अगेन स्टोरेज को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कंप्लीट आपको सेक्शंस मिल जाते हैं, दो चैनल ड्रॉअर मिल जाते हैं, एक शेल्फ मिल जाती है सामान रखने के लिए, एक ऊपर शेल्फ मिल जाती है सामान रखने के लिए। बाकी इस बेडरूम में भी आपको बालकनी से विंडो मिल जाती है जिसमें आप विंडो AC लगा सकते हो। जाली की खिड़कियाँ ऑलरेडी हमने लगा रखी हैं, ग्लास विंडोज़ भी हमने लगा रखी हैं जो मॉस्किटो नेट हम जिसे बोलते हैं। और ये हो गया हमारा ठीक साथ में अटैच वॉशरूम कम टॉयलेट जिसमें आपको अच्छे खासा टाइल वर्क हमने कर रखा है। कंप्लीट बाथ फिटिंग्स आपको लगी मिलेगी। बाकी एग्जॉस्ट की बात करते तो उसमें भी आपको वहाँ पे विंडो मिल जाती है एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 4 BHK का थर्ड बेडरूम जो था मास्टर बेडरूम। अब मैं दिखाता हूँ इसका फोर्थ बेडरूम जो है एक्चुअल मास्टर बेडरूम। तो चलाओ दोस्तों, तो एक बार फोर्थ बेडरूम दिखाने से पहले एक बार मैं यहाँ से प्रॉपर व्यू दिखाता हूँ। तो ये है हमारा कंप्लीट इसका 3D व्यू, अपना 360 डिग्री व्यू। वो हमारी एंट्रेंस होगी, यहाँ से हम आए थे, ये हमारी एंट्रेंस का पार्ट हो गया। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था, वो हमारा सेकंड बेडरूम था, ये हो गया हमारा कॉमन वॉशरूम। और दोस्तों ये है हमारा कम्प्लीटली हॉल का पार्ट। ये था हमारा थर्ड बेडरूम जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब मैं दिखाता हूँ आपको फोर्थ बेडरूम जो कि है एक्चुअल मास्टर बेडरूम, क्योंकि इस मास्टर बेडरूम के अंदर बहुत कुछ यूनिक मिलने वाला है। आओ कम इनसाइड। तो दोस्तों ये है इसका मास्टर बेडरूम जो एक्चुअल मास्टर बेडरूम है, क्योंकि इसमें हमने प्रॉपर क्लैडिंग वर्क कर रखा है जिसमें हमने कहते हैं लेदराइट कपड़ा यूज़ कर रखा है, प्लस हमने इसमें कहते हैं हाई ग्लोस की गोल्डन पैटर्न की हमने इसमें कहते हैं सनमेका लगा रखी है। तो दोस्तों ये है इसका एक्चुअल व्यू। और इस बेडरूम के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको मिलता है
ड्रेसिंग टेबल का प्रोविजन, जिसमें आप अपना अकॉर्डिंगली, जो हर लेडीज़ का एक फेवरेट पॉइंट होगा कि हमें ड्रेसिंग सेक्शन मिले जिसको हम अपने अकॉर्डिंगली डेकोरेट कर सकें। यहाँ पे आप अपना मेकअप से रिलेटेड कंप्लीट हमने शीशा लगा दिया। नीचे आपको 2 चैनल ड्रॉर्स मिल जाते हैं, ओपनेबल कैबिनेट्स मिल जाती हैं, और साथ में मिल जाता है आपको अटैच वॉशरूम, जिसमें अगेन स्पेस को लेकर कहीं दिक्कत नहीं है। वॉल माउंटेड सीट आपको लगी मिलेगी। एग्जॉस्ट के लिए वहाँ पे आपको शाफ्ट का प्रोविजन हो गया। वॉल टू वॉल प्रॉपर टाइल्स हैं, कंप्लीट बाथ फिटिंग्स आपको हमारी तरफ से लगी मिलेंगी। तो दोस्तों, ये है इसका मास्टर बेडरूम का स्पेस। बाकी 6x6 का बेड आप आराम से लगा सकते हो, 7x7 का भी लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सामने आपको यहाँ पे टीवी पैनल हमने बना रखी है, तो आप लोग अपने यहाँ पे टीवी आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बाकी 2 आपको यहाँ पे शेल्फ मिल जाती है स्टोरेज के लिए, प्लस आपको ऊपर शेल्फ मिल जाती है, नीचे आपको शेल्फ मिल जाती है, 1 चैनल ड्रॉअर, 2 को ओपनेबल कैबिनेट्स होगी। और दोस्तों, ये होगी इसमें अलमीरा, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो इसमें भी हैंगर रोड अभी आपको लगी मिलेगी। बाकी नीचे चैनल ड्रॉअर हो गया, 2 ऊपर के सेक्शंस हो गए सामान रखने के लिए। तो दोस्तों, ये है मास्टर बेडरूम। एक बार मैं कैमरामैन को बोलूँगा पीछे से दिखाए। तो ये है एक्चुअल व्यू ऑफ दैट रूम। अगर मैं बात करता हूँ इसकी फॉल सीलिंग की, तो बहुत ही खूबसूरत और हैवी वर्क इसमें हमने कर रखा है फॉल सीलिंग में, जिसमें कंप्लीट वाइट और हमने कहते हैं वार्म वाइट, अपना वार्म वाइट का कॉम्बिनेशन कर रखा है। और दोस्तों, ये है इसका एक्चुअल व्यू जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये कंप्लीट हमारी तरफ से वुडन क्लैडिंग वर्क हो रखा है, तो अगेन इसको लेके भी कहीं शिकायत नहीं होने वाली काम को लेके। तो ये है कंप्लीट आपको स्पेस। यहाँ पे मिल जाता है विंडो, इसी का प्रोविजन। ये विंडो हमारी ओपनेबल है, बालकनी में जाने का एक्सेस मिल गया। बाकी जाले की खिड़की और मॉस्किटो नेट दोनों आपको मिल जाती हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको बालकनी। तो दोस्तों, जैसे हम आते हैं बालकनी में, तो बालकनी में अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, क्योंकि इसमें भी आपको सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप लोग चाहो तो चेयर डाल के भी बैठ सकते हो। तो ये है इसका एक्चुअल स्पेस का पार्ट। तो अच्छी बड़ी और स्पेशियस आपको बालकनी मिल रही है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन का प्रोविजन दे दिया गया है, ऑल्दो आप चाहो तो ना चाहो अंदर स्पेस पूरा है वॉशिंग मशीन का। ऑल्दो यहाँ पे भी स्पेस है, टैप का प्रोविजन हो गया, पावर का पॉइंट हो गया। कंप्लीट आपको वॉल टू वॉल टाइल्स मिल जाती हैं, जिससे दीवारें आपकी मेंटेन रहेंगी। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग होगी, कंप्लीट आपको कहते हैं ग्लास वर्क हमने कर रखा है। ये होगी हमारी फ्रंट रोड, जो कि है प्रॉपर 25 फुट की, आइसोलेट गली है दोस्तों। कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं। तो दोस्तों, ये है हमारा 4BHK फ्लैट। अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट एलिवेशन की, तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका फ्रंट एलिवेशन हमने डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें कंप्लीट हमने ACB पैनलिंग का वर्क कर रखा है, जो कि इसकी लुक को, ड्यूरेबिलिटी को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रखता है, जैसा भी आप देख रहे हो। और अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट रोड की, तो प्रॉपर आपको 25 फुट चौड़ी रोड मिल रही है। वेल ऑर्गेनाइज कॉलोनी है, तो कोई शोर शराबा नहीं है, कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है, पीसफुल लोकेलिटी आपको मिल रही है। पीने के पानी की सप्लाई सुबह शाम है, और आपको बिजली की सप्लाई वो 24 आवर्स है। तो ये है एक्चुअल। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों, आप हमें ऊपर दिए नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, या फिर आप आके हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये है हमारी 250 गज की बिल्डिंग, जो मैंने भी आपको होम टूर कराया। ये था हमारा 140 गज का 4BHK फ्लैट, जिसका बिल्टअप एरिया मिलता है, और जो हमारा बैक साइड के 2BHK फ्लैट थे, उनका बिल्टअप एरिया मिलता है 70 गज। तो दोस्तों, ये विथ लिफ्ट है, विथ का पार्किंग है। बाकी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी इसका जो प्राइस रेंज है, वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो आप जाके उसको गो थ्रू इट कर सकते हो, और एल्स आप हमें कॉल कर सकते हो। बाकी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन फ्लैट्स की वीडियोज़ मिलती रहे, और क्या पता कौन से फ्लैट की वीडियो आपका सपना घर बन जाए।